देखते हुए 21 दिन का लॉकडाउन जारी किया है। 21 दिन के लॉकडाउन को लेकर लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी लोग पूरे समर्थन में नजर आ रहे हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं मुकेश भट्ट, मैं हम खड़े कौशाम्बी बस स्टैंड, कौशाम्बी बस स्टैंड पर। देखिए क्या बुरा हाल है यहाँ पे, और लोगों में इतने प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद भी जागरूकता नहीं आई है, और लोग एक जगह देखो कैसे गुट पे बनाए खड़े हुए हैं। अभी हमने कुछ प्रशासनिक अधिकारियों से और पुलिस वालों से कहा कि भी इतनी भीड़ यहाँ इकट्ठी हो गई है, तो कुछ पुलिस वालों ने लोगों को समझाया, हम हड़काया है। उसके बाद देखिए, उसके बावजूद भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं अपनी हरकतों से, और देखिए किस तरह से खड़े हुए हैं। लोगों में जागरूकता कब आएगी, ये महामारी का एक इशारा दे रहे हैं। देखिए ये देखिए बस पे, देखिए बस की हालत देखिए किस तरह चढ़ी, और यह बस स्टैंड कौशाम्बी डिपो पे ना कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। मुख्यमंत्री जी के आदेशों के बाद बस सेवा तो बहाल कर दी गई, लेकिन कुछ उचित व्यवस्था नहीं की गई, लोगों को कैसे बैठाया जाए। देखिए हमारे बीच में पीछे कितनी पब्लिक खड़ी हुई है, यह कल के ऐलान के बाद लोग यहाँ आए हैं। कुछ पुलिस कर्मचारी हैं बस मौजूद यहाँ पे, पुलिस प्रशासन गाजियाबाद का, और कोई नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे। देखिए किस तरह से भीड़ है यहाँ पे। ये देखिए वरिष्ठ केंद्रीय प्रभारी का ये रूम है जिसपे ताला लगा हुआ है, यहाँ कोई अधिकारी मौजूद नहीं है, और बसों का संचालन शुरू हो गया है। कुछ हमारे पुलिस प्रशासन के लोग नज़र आ रहे हैं जो लोगों को समझा रहे हैं और हड़का रहे हैं, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है। देखिए ये दरोगा जी हैं यहाँ पे, ये समझा रहे हैं लोगों को, और लेकिन लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। क्या नाम है दरोगा जी आपका? मानवेंद्र सिंह नाम है। मानवेंद्र जी हमारे साथ हैं। मानवेंद्र जी, ये इतनी भीड़ इकट्ठी है, आपने काफ़ी इनको को समझाया है, लेकिन लोगों को काफ़ी समझाया है, लोगों को छुड़वाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की है, लाल कुआ वगैरह, और बाहर के लिए बसें गई हैं, अभी यहाँ से 6-7 बसें गई हैं। लेकिन असल में ये भीड़ एक साथ में आने का ये कारण है कि जिन्होंने अपने जो लेट हुए उनको सभी को फ़ोन कर दिया कि वहाँ से गाड़ियाँ मिल रही हैं, तो उस वजह से ये लोग एकत्रित हो गए। बाकी लोगों को समझाया जा रहा है कि दूसरे दूरी रखे हैं, खाना भी बंटवाया गया है लोगों द्वारा। लेकिन बल्क में देखिए कितनी भीड़ है। ये उसी प्रकार से फ़ोन से कनेक्टिविटी होने के कारण लोग जल्दी से जल्दी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, सभी लोग जाना चाहते हैं अपने गंतव्य स्थान से। व्यवस्था की जा रही है, ARM साहब ने कहा है कि यहाँ से कुछ गाड़ियाँ लाल कुआ छुड़वाई जाएंगी, फिर वहाँ से बसें मेरठ और अन्य अलीगढ़ वगैरह आगे। लेकिन यहाँ तो कोई अधिकारी हमें नजर नहीं आ रहा, ताला लगा हुआ है इनके ऑफिस पे? नहीं, ताला नहीं लगा हुआ है, कुछ ताले कुछ हैं, कुछ लोग हैं जो ऑफिस नहीं खोल रहे हैं अभी। जैसे ये बस अभी भरी हुई है, इससे एक और बस अभी जा चुकी है, पहले एक और बस गई है, यहाँ से 4-5 बसें जा चुकी है अभी। नहीं, दरोगा जी, मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है कि जो बसों में लोग जाएंगे उनको डिस्टेंस में बैठाया जाएगा। अब देखिए कितने लोग एक बस में बैठे हुए हैं, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा लोग बस में बैठे हुए हैं। उस चीज़ में ये सैनिटाइज करा रहे हैं बसों को, उसी हिसाब से बैठाया जा रहा है यहाँ पर, और ये इनकी अपना है मैनेजमेंट, जो होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। उस हिसाब से इन्हें व्यवस्था करनी चाहिए, उस हिसाब से व्यवस्था नहीं लग रही है इन लोगों की, बसों का प्रबंध भी नहीं है उस हिसाब से। दरोगा जी, हम आपकी कार्य शैली पे प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, आप अपना काम अच्छा कर रहे हो वो हमें नज़र भी आ रहा है, लेकिन जो हमारे और आपके साथ कुछ लोगों को और यहाँ होना चाहिए, खाली आपके अकेले से इतनी सारी भीड़ कंट्रोल नहीं हो सकती जो मुझे लग रहा है। तो आपने क्या SSP साहब को अवगत कराया इस समस्या से? साहब अवगत है, हमारे पास पर्याप्त फोर्स है, बॉर्डर पर वहाँ पर लगी हुई है, बैरियर पर लगी हुई है, इधर भी लगे हुए हैं, रूट पर लगे हुए हैं हमारी फोर्स, और थाने का पूरा पर्याप्त फोर्स है, फोर्स की कमी नहीं है। लेकिन एक साथ जनता आने से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, अभी काबू पा लिया जाएगा। बसों की और व्यवस्था कर रहे हैं, ARM साहब से भी बात हुई है, भेज रहे हैं स्टाफ को, और कुछ स्टाफ इनका घर पे गया हुआ है उसे भी बुला रहे हैं। देखिए ये हमारे साथ दरोगा जी थे, तो इनसे बात हुई है, ये पूरा इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और फोर्स के लिए भी इन्होंने बुलाया कि शायद आएगी, और लोगों को बोल रहे हैं कि डिस्टेंस बनाएं। लेकिन हमारे देश की जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, इतने सारे मैसेज इतने सारे अखबारों और चैनलों पर आने के बावजूद भी हम लोग कितने जागरूक हैं ये नज़ारा देख के पता लगता है। हम सब लोगों को जागरूक होकर रहना होगा।